विचार करने वाले प्रश्न नहीं आएंगे, सीधे रैंडम क्वेश्चन आएंगे। यदि आप बिहार पुलिस की परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो कम से कम अपने घर पे किसी टीचर पे जाओ, चाहे ना जाओ कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो। एकदम रट जाइए, वहां से यदि प्रश्न आए तो गलती नहीं होना चाहिए। प्रीवियस पेपर पहले और फिर प्रैक्टिस पेपर, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। BRSI में तो सर 50 क्वेश्चन। मैं आपको बताता हूँ कि 100% GS में आप श्योर हो जाएंगे। पेपर का स्टैंडर्ड डिसाइड करता है कि पेपर का कट ऑफ क्या रहेगा, भीड़ भी नहीं। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है ब्रजेश सत्यार्थी और ऑन ड्यूटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार पुलिस का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है कांस्टेबल एग्जाम के लिए। आपको पता है कि इसमें किस प्रकार से बड़ा कंपटीशन होने वाला है। 20 लाख के करीब छात्र हैं, 1 लाख से ज्यादा छात्रों को फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाना है और समय बचा है अभी लगभग 15 से ज्यादा दिनों का, 17 से 18 दिनों का भी समय बचा हुआ है। अगर इतने छात्रों के बीच कंपटीशन है तो कहीं ना कहीं एक स्पेशल स्ट्रैटेजी के तहत ही पढ़ाई करने से सफलता मिल सकती है, क्योंकि आपको पता है कि किस प्रकार से रिटेन में इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है, इतने अच्छे स्टैंडर्ड के छात्र इसमें आते हैं। तो क्या होना चाहिए इस 15 दिनों की खास स्ट्रैटेजी जिसके तहत एक अच्छा से अच्छा स्कोर करें और फिजिकल के लिए क्वालिफाई करें, यही जानेंगे अभी हम मिशन 50 IAS के रजनीश सर से। तो चलिए सर से बातें करते हैं, तमाम चीज़ों को जानते हैं। सर ऑन ड्यूटी में आपका स्वागत जी। थैंक यू सो मच। सर बिहार पुलिस का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, 15 से 18 दिनों का समय बचा हुआ है सर। तो अभी तैयारियां तो लगभग सर छात्र की जो सिलेक्शन लेंगे उनकी पूरी हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं अब उन्हें एक रेस का घोड़ा बनना है, फिजिकल के लिए क्वालिफाई करना है, तो क्या स्पेशल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर? देखिए सर, अब तो 15 दिन का समय ही मान के चल सकते हैं, चूंकि 15 दिन में नहीं गए, 13-14 दिन का समय है, फिर अपना परीक्षा के लिए लोग रेडी होंगे। तो 13-14 दिनों में आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि जीएस का सेक्शन बड़ा है वहाँ, तो जीएस के सेक्शन के लिए जीएस में कभी भी वहाँ पर विचार करने वाले प्रश्न नहीं आएंगे, सीधे रैंडम क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको वन लाइनर क्वेश्चन डायरेक्ट उसका आंसर होगा। जैसे कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, पहले अध्यक्ष कौन थे, पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई, सिंपल सा क्वेश्चन, इटाई बीमारी किससे होता है, तो मतलब अगर बायोलॉजी से क्वेश्चन आता है डायरेक्ट क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो इसके लिए आप जितने भी MCQ हो सकते हैं अभी तत्काल 15 दिनों में हो सके तो हर दिन 200 से 300 MCQ बच्चों को लगाना चाहिए। आप अगर YouTube पे वीडियोज को फॉलो कर रहे हैं किसी भी चैनल्स को तो भी अच्छा है, कोई एक चैनल आप फॉलो कीजिए, दिन भर आप चैनल पे बिजी ना रहिए, कोई एक चैनल फॉलो करके 3-4 घंटे का वीडियो देखने के बाद 3-4 घंटे अपने घर पे भी कम से कम 200-300 प्रश्न लगाना चाहिए। प्रश्न जब बच्चे लगाएंगे तो वहाँ पता चलेगा कि हमारी जो तैयारी है उस तैयारी में अभी भी कौन सा पार्ट है जो कमजोर है। जैसे पेपर लगाने के बाद पता चलता है कि हमारा तैयारी तो हो गया, लेकिन जब आप पेपर सॉल्व करते तो पता चलता है कहाँ कहाँ हमारी कमजोरी है, कहाँ कहाँ गलती हो रही है। तो आप जब यूट्यूब चैनल देखेंगे, खुद घर पे 300-400 क्वेश्चन डेली, अब कम से कम 300 क्वेश्चन MCQ आपको रोज लगाना है। यदि आप बिहार पुलिस की परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो कम से कम अपने घर पे 300-400 क्वेश्चन खुद लगाइए, और जहां जहां कमी लगे आपको कि इस पॉइंट पे हम कमजोर हैं, उस पॉइंट को अलग से आप लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं, लूसेंट या KBC नैनो किताब आती है, दोनों में से कोई एक फॉलो कर सकते हैं, कोई एक ध्यान रहे लूसेंट या KBC नैनो, अगर लूसेंट है तो सबसे बेहतर किताब है, उसमें जाइए आप, जो जो टॉपिक आपको MCQ लगाते समय लगा ये वाला पार्ट मेरा कमजोर है, सिर्फ लूसेंट से उसी चैप्टर को पढ़िए। अब उतना टाइम नहीं है कि पूरी लूसेंट को पढ़ा जाए, अब टाइम उतना है कि भैया हमारा अगर हिस्ट्री में ये वाला पॉइंट से क्वेश्चन गलती हो रहा है तो सिर्फ उसी पॉइंट को हिस्ट्री में पढ़ेंगे, पॉलिटी में ये पॉइंट गलती हो रहा है, मान लीजिए पॉलिटी में हमारा संसद का चैप्टर है पार्लियामेंट, उससे सवाल गलती होता है तो केवल पार्लियामेंट वाले चैप्टर को पढ़ लेंगे, साइंस में मान लीजिए कि डिजीज वाले चैप्टर से क्वेश्चन गलती होता है तो डिजीज केवल जाके पढ़ लेंगे, मान लीजिए कि ज्योग्राफी में ओशियन करंट से क्वेश्चन गलती होता है या फिर भारत के भूगोल में माउंटेन से क्वेश्चन गलती होता है तो माउंटेन पढ़ लेंगे, मतलब सेलेक्टेड टॉपिक जाकर के आप लूसेंट से पढ़िए जो आपको MCQ लगाते समय लगे कि मेरा कमजोर है। अब बाकी नियमतः अब 13 दिन में आप कम से कम 300 MCQ लगाइए, सब मिला के 4000 MCQ हो जाएगा। यदि आप सॉल्व कर लेते हैं 4000 MCQ अपने घर पे, प्लस यूट्यूब में कोई एक चैनल फॉलो कर लीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि 100% GS में आप श्योर हो जाएंगे। उसके बाद मैथ रीजनिंग का तो कोई उतना संख्या है नहीं, आप सिंपली जो चैप्टर लगा है हर चैप्टर से आप कम से कम 25-30 सवाल बना लीजिए मैथ का, रीजनिंग का, उसी तरह से हिंदी और अंग्रेजी का जो सेक्शन है वहाँ जो जो चैप्टर है उसका MCQ कम से कम वही 30-35 MCQ सबका लगा जाइए तो आपका आराम से हो जाएगा। तो थोड़ा इधर 3-4 महीने का करंट अफेयर भी देख लीजिएगा, 2-3-4 महीने का करंट से वैसे सवाल तो बहुत कम ही होंगे बिहार पुलिस के, बहुत कम, तो आप 2-4 प्रश्न जो आएंगे वो आपका हॉल हो जाएगा। ये कोई नियम नहीं कि करंट अफेयर आएगा कि नहीं आएगा, उनकी मर्जी, वो 2-4 डाल सकते हैं GKGS के नाम पर। तो आप 3-4 महीने का इधर का जो करंट है, पूरे साल का नहीं, 3-4 महीनों में जो घटित घटनाएं हैं उसको आप जान जाइए। केवल जैसे मणिपुर में अभी हाल में मणिपुर चर्चा में रहा,
इसके अलावा अभी जम्मू कश्मीर भी चर्चा में था, तो जो भी चर्चित घटनाएं हैं उसको आप कर लीजिए, 3-4 महीनों के अंदर आराम से क्वालिफाई करेंगे, घबराना नहीं है, मन को शांत रखना है, बस यही मेरा सजेशन है बिहार पुलिस के बच्चों को। सर जैसे कि बहुत सारे शिक्षक कहते हैं या फिर जिन्होंने पास कर लिया इस एग्जाम को, वो कहते हैं कि आप पहले सिलेबस को कंप्लीट कर लो और उसके बाद सेट पे आओ, तो सेट सर क्या लगता है कि सेट अभी छात्रों को बनाना चाहिए या फिर आपने कहा कि एमसीक्यू के ऊपर फोकस्ड होना चाहिए, तो सर इन दोनों के बीच सर आप? अब 13 दिन का समय है, अब वो वक्त नहीं, वो 4 महीने पहले सिलेबस हम देखते हैं, 13 दिन में हम सिलेबस नहीं पढ़ सकते। जी बिल्कुल, तो मैं 13 दिन का स्ट्रेटजी बताया हूँ। रियली जब फॉर्म आया था उससे पहले अगर बच्चों को राय लेना था तो हम बताते कि सिलेबस को आप एक लाइन को अच्छे से फॉलो कीजिए, लेकिन अब 13 दिन का वक्त है, इसमें आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सिलेबस का सारा पार्ट आपका गड़बड़ है, कुछ तो कंप्लीट होगा ही। तो मैंने क्या बोला कि एमसीक्यू लगाते समय पता चलेगा कि सिलेबस का कौन सा पार्ट है जो हमारा अभी भी कमजोर है, सिर्फ उस पार्ट को हम पढ़ेंगे, इन 13 दिनों में उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन पढ़ने बैठेंगे पूरा सिलेबस शुरू से अंत तक, हो सकता है उसके लिए हमें 13 दिन के बदले हमारा 3 महीने का समय लग जाए, तो उतना समय तो है नहीं। सर चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू करने के बाद वहां पर देखें कि कौन सा टॉपिक हमारा चैप्टर बाय चैप्टर मिसलेनियस एमसीक्यू करना चाहिए, मिसलेनियस सेट सर सेट जो आता है वो सब करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन प्रीवियस पेपर सबसे पहले अभी तक बिहार पुलिस और बिहार एसआई, बिहार पुलिस संबंधी, बिहार दरोगा संबंधी अभी तक जितने प्रश्न जीके जीएस में पूछे गए हैं, बिहार दरोगा करीब 4-5-6 पेपर हो चुका है बिहार में, और बिहार पुलिस के भी पहले पेपर हुए हैं, तो सबसे पहले तो प्रीवियस पेपर जो पूछा गया प्रश्न है सबसे पहले उसको आप अच्छे से एकदम रट जाइए, वहां से भी प्रश्न आए तो गलती नहीं होना चाहिए। अगर वो कंप्लीट हो जाए तब मार्केट के प्रैक्टिस पेपर उठाना चाहिए और लगाना चाहिए। मैंने कि मेरा कहना है कि प्रीवियस पेपर पहले और फिर प्रैक्टिस पेपर, टोटल परीक्षा में जाने से पहले इन 13 दिनों में यदि विद्यार्थी को सच में नौकरी लेना है तो 13 दिनों में 4,000 प्रश्न बनाया जा सकता है, ये पॉसिबल है, उनके हैंड में है। और प्रश्न बनाते समय जो जो चैप्टर का क्वेश्चन गलती हो रहा है उसको गोला लगाएंगे और उसको संबंधित बुक से जाकर लूसेंट से या किसी भी किताब से हम उस चैप्टर को खाली पढ़ेंगे, ऐसे में उनका सिलेबस भी कंप्लीट होगा और जो कंप्लीट है उस पर फालतू समय भी नहीं जाएगा, ऐसे में बच्चे श्योर क्वालिफाई कर जाएंगे। सर आपके कहने का सार यही है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके एमसीक्यू लगाइए अब 13 दिनों में, और सबसे पहले प्रीवियस पेपर ध्यान रहे, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में जितने भी सवाल अभी तक पूछे गए हैं पहले बच्चों को उसको रट जाना चाहिए। मैं लिखित में दे रहा हूँ कि अगर 70-80 सवाल ज्योग्राफी के आएंगे, सॉरी जीएस के आएंगे, तो ये मान के चलिए कि उसमें प्रीवियस पेपर का अकेले रोल रहेगा 40-45 क्वेश्चन, बिल्कुल सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। बीआरएसआई में तो सर 50 क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट आ जाता है, प्रीवियस पेपर का बड़ा रोल है गुरु, प्रीवियस पेपर कर लो, मैं बता रहा हूँ एकदम राम बाण औषधि बता रहा हूँ, और प्रीवियस पेपर अगर रट लो, लग जाए कि रट लिया तो तुरंत आ जाओ प्रैक्टिस पेपर पे मार्केट का, उसको कर लो, बस 4,000 क्वेश्चन करके जाओ, जीएस में तुम गिरोगे नहीं, किसी टीचर पे जाओ चाहे ना जाओ कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो। अच्छा सर तैयारी के दौरान तो छात्र तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो जिनवन तैयारी करने वाले, जो ईमानदार छात्र हैं सर, वो सोचते हैं कि बिहार पुलिस हो और उसमें धांधली ना हो, तो सर उसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कभी कभी। क्या लगता है सर कि इस बार जिस प्रकार से बीपीएससी ने नकेल कसा और इस बार बीपीएससी टीआरई में भी उस प्रकार का एग्जाम हुआ, तो इस बार सीएसबीसी सर ऐसा एग्जाम ले पाए? बिल्कुल, इस बार पूरी संभावना है, चूँकि अभी जो मुख्यालय एडीजी हैं उन्होंने भी कहा है कि इस बार परीक्षा जो है काफ़ी मतलब स्ट्रिक्ट तरीके से होगी, और सरकार हमेशा कोशिश करती है, सरकार या आयोग जो है वो हमेशा ये कोशिश करती है कि परीक्षा ईमानदारी से हो, और उन्हें पूरी व्यवस्था ईमानदारी से ही की जाती है और इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी कभी कुछ खबरें लिख के आ जाता है भाई ये हो गया वो हो गया, लेकिन इस बार पूरी सरकार और आयोग दोनों पूरी तरह से मुस्तैद है, चुस्त है, विद्यार्थी अपने पढ़ाई पर ध्यान दे, क्या होगा एग्जाम में ये सब बात पर ध्यान देने से कोई लाभ नहीं है, सिर्फ अपने सिलेबस पर जो मैंने बताया उसको करिए, इस बार परीक्षा पूरी स्ट्रिक्टली और पूरी ही ईमानदारी से होने की पूरी संभावना है, बस आप पढ़ाई पर अपना ध्यान दीजिए। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि सर आपने इतना इंपॉर्टेंट टाइम दिया और इतनी अच्छी राय दी। जी थैंक यू सो मच आपको भी, अब विद्यार्थी के लिए आप मेरे पास आए और विद्यार्थी तक सही बात क्या करना चाहिए वो पहुंचाए, और ये पहुंचा, इस सबसे बड़ा फायदा पटना के बच्चों को तो होता ही है, दूर दराज में जो बच्चे बैठे हैं जो पटना नहीं आ सकते, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन बच्चों के लिए आपका जो ये वीडियो होता है वो कहीं ना कहीं औषधि का काम करता है और बच्चे क्वालिफाई करते हैं, इसलिए ऐसा आप प्रयास कर रहे हैं, करते रहिए, हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ है, थैंक यू सो मच।
तो हमारे साथ रजनीश सर थे, जिन्होंने बताया कि ये जो आप 15 दिन का लगभग समय बचा हुआ है, तो इसमें किस प्रकार से तैयारियां करनी चाहिए ताकि एक सिलेक्शन पक्का करें और फिजिकल के लिए क्वालिफाई करें, कट ऑफ मार्क्स को पार करें। सर एक एक चीज और जानना चाहेंगे, सभी बता रहे हैं कि 65 के आसपास कट ऑफ जाएगा, क्या लगता है? कट ऑफ पहले बताना, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्या शब्द का यूज करूं, ये बहुत गलत है, क्योंकि पेपर का स्टैंडर्ड डिसाइड करता है कि पेपर का कट ऑफ क्या रहेगा। भीड़ भी नहीं, कितने लोग फॉर्म भरे हैं ये भी डिसाइड नहीं करता। हाँ, कुछ हद तक सीट, नंबर ऑफ सीट डिसाइड करता है, कितना सीट है कट ऑफ डिसाइड करता है, लेकिन पेपर का स्टैंडर्ड, पेपर का जो लेवल होता है वो डिसाइड करता है कट ऑफ क्या रहेगा। इसलिए पहले से जो कट ऑफ बता रहे हैं लोग, पता नहीं किस आधार में बता रहे हैं और क्यों बता रहे हैं, ये करना पता कितनी भारी दृढ़ता और मूर्खता हम कहते हैं इसको। पहले कट ऑफ बता देना, सीटों की संख्या और पेपर का स्टैंडर्ड लेवल क्या है वो बताएगा कि कट ऑफ कितना जाएगा। पहले से कैसे बता दे कितना कट ऑफ जाएगा, ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं संदेश दे रहा हूँ अपने आपके चैनल के माध्यम से, किसी भी शिक्षक को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सर कहीं ना कहीं छात्रों को अच्छे से अच्छे स्कोर गेन करने पे ध्यान, आपने अपने अपने एमसीक्यू लगाना, सिलेबस कंप्लीट करना, इस पर आप ध्यान दीजिए। 13 दिन का समय है, लगातार 13 दिन का समय, हर दिन 8-10 घंटे के हिसाब से पढ़िए, 130 घंटे का समय आपके पास है, 130 घंटे अपने आप को लगा दीजिए, और रियल है कि जब सोना तपेगा तो कुंदन बनेगा। जी सर, तो हमारे साथ रजनीश सर थे, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से तैयारियां करनी चाहिए। सर की बेहतरीन राय रही कि किस प्रकार से एमसीक्यू का कलेक्शन करें और उसे ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें, जिससे कि एक सिलेक्शन पक्का किया जाए। मिलेंगे आपसे एक और हेल्पफुल सेशन में, आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। जय हिंद।